अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको कीमा शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने कीमा लिया, कीमा बीफ मटन चिकन जो मर्जी ले सकते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया आधा किलो, शिमला मिर्च हमारी है कैप्सिकम 1 किलो, आपने ग्रीन वाली सब्ज़ अच्छी वाली लेनी है, 2 अदद प्याज हमारे बड़े साइज के थे, लहसुन अदरक चौप 1-1 टेबल स्पून, 1-1 टीस्पून हाफ टी स्पून हमारी हल्दी थी, नमक और सुरख मिर्च 1-1 टीस्पून थी दोनों, गरम मसाला सफ़ेद ज़ीरा 1-1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल हमने लिया 1 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल या घी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। टमाटर हमने 2 साइज़ के लिए थे ज़रा बड़े वाले, इन्हें हमने कटिंग कर लिया। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं, आप अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट लेते हैं, अपनी फ्लेम ऑन की, हमने अपने पैन में हमने कीमा डाला, कीमा मैंने धो के रख लिया था। 1 गिलास हमने पानी का इसमें डाला, उसके बाद हम अपना प्याज, लहसुन अदरक दोनों डाल देंगे, नमक हल्दी सुरख मिर्च ये तीनों हमने डालनी है। डाल के हमने इसे मिक्स कर दिया थोड़ी देर, 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे, उतनी देर में हमारा कीमा और प्याज ये अच्छी तरह गल जाएंगे। इन्हें कवर करते हैं, 15 मिनट के इसे टाइम देते हैं, उतनी देर में हमारा कीमा और ये प्याज अच्छी तरह गल जाएगा। इसे हम फिर ऑयल डाल के और टमाटर डाल के भून लेंगे। 15 मिनट के बाद हमने अपने कीमे को निकाला और अब इसमें हम टमाटर अपने डाल देंगे, टमाटर और अपना ऑयल। ऑयल हमने इसमें इसलिए इतना ज़्यादा नहीं डालना कि ये कैप्सिकम हमारी ऑयल कम देती है। हमारा ऑयल 1 सर्विंग स्पून था, जितनी देर में हमारा ये कीमा हो रहा था उतनी देर में हमने अपनी शिमला मिर्च को कटिंग कर लिया था। इस फॉर्म में हमने शिमला मिर्च को कटिंग करना है, बीज इसके निकाल देने हैं, ये तो हमारी बहनों को पता होना है कटिंग करके शिमला मिर्च किस तरह हम काटते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे, थोड़े से टमाटर भी हो जाए और हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए हमारा कीमा, पानी बहुत थोड़ा रह गया, ये ऑयली ऊपर आया हुआ है, इस फॉर्म में हमारा कीमा बना हुआ है। इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, उसके बाद हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हमने कवर किया था अपने टमाटरों को, ये देखिए टमाटर अच्छी तरह अंदर गल चुके हैं। इसकी अब हम भुनाई शुरू कर देते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह बैठ चुके हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखी थी, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे हम सारा काम करते थे। बहुत हल्की फ्लेम पे भी नहीं सही रहता और तेज़ में भी हमारा खाना जल जाएगा। हमने अपनी बुनाई शुरू कर दी कीमे की, इसके साथ ही हम अपनी शिमला मिर्च अंदर डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल के हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, उतनी देर में इसने हमारे गल जाना है शिमला मिर्च ने। और याद रखें कि आपने शिमला मिर्च हमेशा कटिंग करने से पहले धोनी है, इसलिए कि उसमें फिर पानी आ जाता है, शिमला मिर्च में अपने बहुत पानी होता है और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये अपने पानी में ही गलेगी। हमारे भूनते ही शिमला मिर्च गल जाएगी अच्छी तरह। हमने इसे 5 से 7 मिनट भूनना है और 5 मिनट के लिए हमने इसे दम पे रख देना है। जब हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए शिमला मिर्च का, हमने अपना सफ़ेद ज़ीरा और अंदर गरम मसाला डाल देना है और हल्की फ्लेम करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देना ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए शिमला मिर्च में आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऑयल शिमला मिर्च लेती है। ये हमारे भूनते हुए सिर्फ 1 सर्विंग स्पून हमारा ऑयल था, वो भी हमारा ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें ज़्यादा ऑयल डालने से वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। कीमे में भी ऑयल होता है, उसका भी घी निकलना है और हमारा और ज़्यादा ऑयल डाला हुआ बहुत ज़्यादा खाना ऑयली हो जाएगा।
हमारी हांडी रेडी है। चिकन सॉरी कीमे की और कैप्सिकम की, हमने सफेद जीरा और गरम मसाला इसमें डाल दिए। मिक्स करके हम सिर्फ एक मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। हमारा खाना तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा कीमा और शिमला मिर्च रेडी है। मैंने आगे भी आपको बताया था कि अगर आप इसमें मटन बीफ चिकन जो भी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें